स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑफर पीरियड में कमेंट आया था उस कमेंट के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। स्टेयर बनाना है, सीढ़ी बनाना है 5 फीट × 7 फीट में और स्लैब हाइट छत की ऊंचाई है 10 फुट। इसमें कैसे बनाए मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अभी तक आप सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। ओके, देखिए जो ऑफर पीरियड में जितने भी कमेंट आया था मैं नोट डाउन करके रखा हूँ, इस पे लगभग वीडियो बनने वाला है पूरा। ओके, ये सब वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर अपना अपना कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 5x7 फुट में स्टेयर बनाना है। देखिए स्पेस कितना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत कम स्पेस है। ओके, 5 फीट, ये देखिए चौड़ाई हो गया 5 फीट और लंबाई हो गया 7 फीट। इस एरिया में इनको स्टेयर बनाना है, वो भी यू शेप। कितना? यू शेप में स्टेयर बनाना है। ओके, यू शेप ही पॉसिबल है, यहाँ स्ट्रेट स्टेयर बन नहीं सकता, एल शेप बन नहीं सकता, बहुत कम जगह है। ओके, देखिए स्टेयर बनाने से पहले आपको थोड़ा सा समझना होता है, जब हम स्टेयर बनाते हैं स्टेप कितना आएगा ये कैलकुलेशन ही करना होता और कुछ नहीं, हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए स्टेयर, ओके कुछ समझिए, ये स्टेयर, ठीक है, क्लियर। ये जो वर्टिकल हाइट जो शो करता है, देखिए इसको बोलते हैं राइजर, जिसे मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। स्टेप का हाइट, जो स्टेप बनेगा आपका उसका हाइट है। ओके, जिस पे आप पैर रखकर चढ़ते हैं, देखिए ये जिस पे आप पैर रखकर चढ़ते हैं इसको ट्रेड बोलते हैं, मैं टी से डिनोट कर रहा हूं। ओके, तो ये दोनों मिल के आर और टी मिलकर एक स्टेप बनता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा यही कैलकुलेट करना होता है कि ये एक स्टेप बना। ओके, तो देखिए एक्चुअली में स्टैंडर्ड साइज ऑफ आर एंड टी, यानी राइजर का हाइट कितना होगा और टी ट्रेड का चौड़ाई कितना होगा जिस पे आप पैर रखकर चढ़ते हैं स्टैंडर्ड, तो आप मिनिमम आपको रखना है राइजर का हाइट 6 इंच कम से कम। देखिए अगर राइजर का हाइट, अगर ये हाइट अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपको चढ़ने में परेशानी होगा, अगर ये वाला टेयर जिसपे पैर रख के आप चढ़ते हैं तो ये कम रखेंगे तो आपको उतरते समय परेशानी होगा, स्टेयर से जब उतरेंगे तो परेशानी होगा, आपको एकदम ध्यान देकर केयरफुली स्टेयर से उतरना पड़ेगा। तो ये टी का विड्थ रखना है 10 इंच कम से कम, एक आदमी का जो पैर होता है। ओके, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कम से कम ये पैर स्टेयर पे आराम से आए, उतरते समय, चढ़ते समय तो आपसे चढ़ जाएंगे लेकिन उतरते समय केयरफुली उतरना पड़ेगा अगर कम रखेंगे तो, आपको मिनिमम कम से कम 10 इंच रखना है, क्लियर। अब देखिए स्टेयर का चौड़ाई की मैं बात करूं, स्टेयर का चौड़ाई कितना रखना है, देखिए स्टेयर का चौड़ाई, ये जो स्टेयर का चौड़ाई आपको कम से कम 3 फुट रखना चाहिए, लेकिन जगह ही नहीं है। देखिए दो बनाइएगा तो 3 फुट ये और 3 फुट इधर से, तो 6 फीट होगा इनके पास, तो 5 फीट ही जगह है। ओके, तो हम उसमें बताएंगे आपको। ओके, तो स्टेयर का जो चौड़ाई हो आपका ये, और ये रेड पट्टी देख रहे हैं यही आपका राइजर है, ये राइजर है आर। ओके, इसका हाइट आपको रखना चाहिए 6 इंच, मैं यहां से लिख देता हूं, आर इजक्वल टू आपको 6 इंच रखना चाहिए हाइट इसका। ओके, टी अब देते हैं 10 इंच और विड्थ ऑफ स्टेयर, देखिए मिनिमम साइज की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम आपको तो ये आपका 3 फुट रखना है, लेकिन यहां पे तो इतना रखेंगे तो स्टेयर बन ही नहीं पाएगा। अब क्या होता है, जब कम एरिया में बनाना होता है, जब आपके पास स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है स्टेयर को, तो कैसे करते हैं, कहां एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए राइजर जो होता है, जो स्टेप बनाते हैं ये थोड़ा समझिए, एक स्टेप जो बनाइए
इसका हाइट जो मैं बता रहा हूं आपको कम से कम 6 इंच रखना है, लेकिन कम जगह है तो आप 6 इंच से ज्यादा आप रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे 7 इंच तक करेंगे। ओके, ये बढ़ाएंगे, देखिए ये हाइट को बढ़ाएंगे और ये जो चौड़ाई है यहां से इसको कम करेंगे, क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, मैं डी से ड्यूक कर रहा हूं, इसको डिक्रीज करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे और इसको इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे। ओके, माने इसको बढ़ाना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा तब आप इस कम जगह में स्टीयर बना सकते। देखिए अब आपके पास स्लैब हाइट कितना है आपका 10 फुट, ओके 10 फुट है और ये नंबर ऑफ आर निकालना है, यानी कितना स्टेप बनेगा, तो ये आपको कितना रखना है, मैं बताया कि आपको स्टैंडर्ड कम से कम रखना है आर इज इक्वल टू 6 इंच, लेकिन यहाँ 6 इंच से काम नहीं चलेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, जब इस कम जगह में बनाएंगे तो आपको आर को बढ़ाना पड़ेगा और ये टी जो है टी को कम करना पड़ेगा। ओके, तो इसको अब मैं रख रहा हूं 7 इंच और आपका टी इक्वल टू 9 इंच रखूंगा। स्टैंडर्ड अगर 10 इंच रखेंगे तो नहीं बन पाएगा, तो ये 9 इंच मैं रख रहा हूं। ओके, देखिए स्लैब हाइट कितना है 10 फुट और ये आपको हाइट रखना है, एक राइजर का हाइट जो यहां से यहां तक है आपको रखना है 7 इंच, तो देखिए एक यूनिट में कन्वर्ट इसको कर लीजिए, एक यूनिट मतलब फुट में या तो इंच में, देखिए तो एक फुट बराबर होता है 12 इंच, क्लियर, तो इसको फुट में अगर ये फुट में अगर इसको हम इंच में चेंज करेंगे तो 10 × 12 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 120 इंच। अब देखिए नंबर ऑफ स्टेप ये कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 कितना होगा, एग्जैक्ट हम ये जानेंगे, तो नंबर ऑफ आर यानी कि नंबर और राइजर कितना होगा, माने स्टेप आपका कितना बनेगा, ओके चढ़ाओ जो इसका हाइट कितना होगा, कितना नंबर ऑफ है, ओके। तो देखिए तो स्लैब हाइट जो स्लैब यानी छत के जो ऊंचाई है, अगर इस हाइट में से एक का हाइट से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो आपको निकल जाएगा कि कितना आर होगा, जिसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना होगा ये जानेंगे एग्जैक्ट में। तो ये देखिए स्लैब हाइट आपके पास हो गया नंबर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ वन राइजर, तो देखिए स्लैब हाइट कितना है, देखिए 120 इंच डिवाइडेड बाय 7 कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 17.14 आएगा। ओके, अब देखिए 14 तो रख नहीं सकते हैं, आपको 17 रख सकते हैं या तो 18 रख सकते हैं, अगर 17-18 करेंगे तो आपका हाइट बढ़ जाएगा, तो मैं बोल रहा हूं कि R इज इक्वल टू आपका रखना है 17 नंबर, लेकिन अगर 17 नंबर रख रहे हैं तो 1/4 तो ये तो कम हो जाएगा ना आपका, तो इसके लिए क्या करेंगे आप चेक कर लीजिए, 70 × 1 का अगर 7 इंच रख रहे हैं या 17 नंबर ये टोटल आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो रहा है 119 इंच, लेकिन स्लैब हाइट कितना 120 इंच है ना, तो आपको 1 इंच को मैनेज करना होगा। तो 1 इंच कैसे मैनेज करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, तो आपको क्या करना है कि 17 जो स्टेप बनेगा यहां से यहां तक, ये कितना नंबर स्टेप बनेगा, 17 आर होगा राइजर, तो 17 में से अगर हम 4 को क्या करेंगे, 19 हो रहा है, इसको 20 करना है, 20 इंच करना है, तो 4 को हाइट को बढ़ाएंगे, यानी कि 4 राइजर जो होगा उस कितने का होगा, 7.5 इंच का, 2.5 इंच का, ये 4 नंबर 7.5 इंच का, और आपका 17 में से 4 माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा, 13 नंबर 13 नंबर 7 इंच का, तो ये आपका मैनेज हो गया, यानी कि आपका जो होगा राइजर जो होंगे, जैसे कि ये स्टार्टिंग का जो स्टार्टिंग का 4 नंबर 1 2 3 4 देखिए यहाँ 4 का हाइट जो होगा आपका 7.5 इंच। ओके, अब बाकी रिमेनिंग जो 13 जो बनेंगे इधर 13 जो आएगा इसका हाइट हो जाएगा 7 इंच। ओके, क्लियर, अब देखिए वर्टिकल हाइट को हमने मैनेज कर दिया, जो वर्टिकल हाइट है उसको मैनेज कर दिया, अब होरिजेंटल डिस्टेंस जो आपका पास है, जो स्पेस है होरिजेंटल, ओके जो जगह है 5 बाई 7 फुट, इसको मैनेज करना है, तो ये कौन मैनेज करता है आपका टी, देखिए ये टी टेड है जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं ये, तो ये कितना रखेंगे, तो ये कितना आएगा इसका भी ले लीजिए, तो टी इज इक्वल टू होता है
आर माइनस वन, देखिए आर माइनस वन इसलिए होता है कि एक आपका स्लैब में आ जाता है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है राइजर से और ये खत्म भी हो रहा है राइजर से, ये टी तो एक स्लैब में आ गया इसलिए आपको आर माइनस वन होता है। तो आर कितना है 17 माइनस वन इक्वल टू 16 नंबर, ओके टी इक्वल टू, ये याद कर लीजिए आप, ओके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आपको यहां भी मैं बता दूं थोड़ा, आपको स्केच अब कैसे मैनेज करना है अब मैं आपको बताता हूं। देखिए आपके पास जो स्पेस है उसको स्केच करना है, मैनेज करना है, ओके देखिए ये क्या है आपका 5 फीट और ये आपका 7 फीट, ओके तो स्टीयर का जो चौड़ाई रखना है, देखिए ये लैंडिंग ठहराव है, ओके स्टीयर का चौड़ाई हाफ हाफ कर देते हैं, यानी कि स्टीयर जो बनेगा आपके पास 2.5 फीट और ये 2.5 फीट, ये 5 फीट हो गया, ओके और ये जो ठहराव है जो लैंडिंग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं लैंडिंग बोलते हैं ठहराव को, तो ये 2.5 फीट, तो ये कितना स्पेस बचा यहां से लेकर के यहां तक कितना बचा, देखिए ये टोटल 7 फीट है, ध्यान दीजिएगा ये टोटल 7 फीट है, टोटल यहां से लेकर यहां तक है और ये सिर्फ है 2.5 फीट, तो ये बचेगा 4.5 फीट बचेगा, तो 4.5 फीट और ये हो गया था आपका। अब ये देखिए इसमें टी जो है आपका टी जिसपे आप पैर रखकर चढ़ते हैं यही आपको मैनेज करना था, एक कितना रखना है आपको मैं बताया हूं 9 इंच, ओके तो 9 इंच रखेंगे और टोटल कितने नंबर है आपका टी आपका 16 नंबर, आर इज इक्वल टू 17 नंबर, 17 नंबर का तो काम हो गया, हम इसको मैनेज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा तो ये कितना हो गया, इसको इंच में चेंज कर लीजिए, तो ये 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 54 इंच हो जाएगा, ओके तो अब देखिए यहां से दूरी यहां तक कितना हो गया 54 इंच, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 इंच रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 54 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये 6, तो यानी 6 नंबर इधर और 6 नंबर इधर, ये 6 6 कितना हुआ 12, यानी 12 नंबर, ये कितना होगा 12 नंबर, तो ये आपको कितना चाहिए 16 नंबर, तो 4 नंबर ठहराव में बनाएंगे, तो ठहराव में कैसे बनाएंगे देखिए इसको हाफ कर दिए लैंडिंग को, हाफ ठहराव को आधा कर दीजिए, इसमें भी एक स्टेप बना दिए ये और इसमें भी एक स्टेप बना दिए 4, तो देखिए ये हो गया आपका 6 7 8 9 10 और 10 6 16 नंबर। तो आपको मैं डिटेल में बता देता हूं ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो, देखिए मैं यहां से बनाया हूं, ओके देखिए अब क्या करना है कि ये आपका 5 फीट है और ये 7 फीट है, ओके तो स्टीयर का जो चौड़ाई है आपको 2.5 फीट रखना है, 2.5 फीट रखेंगे क्लियर, तो यहां से आपको ये कितना रखना है, ये 9 इंच रखना है, ये 9 इंच रखना है, ओके 9 इंच रखना है, राइजर जो है आपका राइजर यानी ये आपको रखना है 7 इंच, ओके और ये रखना है आपका ये 9 इंच, ओके ये तो हाफ हाफ कर देंगे जो भी आएगा उतना ही रहेगा, जैसे कि 2.5 फीट है 2.5 फीट का ये ठहराव में हाफ कर देंगे और ये 2.5 फीट का हाफ कर देंगे, ओके लेकिन एक और है राइजर में 4 नंबर में बोला हूं, 4 नंबर का जो राइजर बनेंगे इसी में 6 में 12 में से किसी माने कि किसी 16 नंबर 17 नंबर में से किसी 4 को आपको हाइट कर देना 7.5 इंच 4 राइजर का, ओके क्लियर। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये आपका स्टीयर बन के तैयार हो गया। तो इस तरह हम 5 फीट × 7 फीट में एरिया में स्टीयर बना सकते हैं जब स्लैब हाइट आपका 10 फीट हो, अगर स्लैब हाइट ज्यादा हो तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो चौड़ाई है जिसपे पैर रख कर चढ़ते हैं टी है ना, इसको कम करना पड़ेगा और राइजर को बढ़ाना पड़ेगा, तो और हम कम एरिया में बना सकते हैं लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होगा, उतरने में परेशानी होगा, चढ़ने में भी परेशानी होगा, तो कंफर्टेबल अगर आपको बनाना है तो मिनिमम साइज कितना चाहिए स्टेयर के लिए, मिनिमम साइज कितना चाहिए स्टेयर के लिए, इस पे मैं एक वीडियो बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।